Hi guys, good morning. I hope every one of us is doing good, fantastic, fantabulous. So the previous night was awesome and उसमें बहुत सारे लोग मिले. हम तो भैया थोड़ा सा थोड़ा सा फेस वॉश कर लो और बाल वाल सेट कर लो तो सबको लगता है कि नहा ही लिया हूँ, क्योंकि स्मार्टनेस थोड़ी सी भरी हुई है ना. तो सभी लोग बातचीत कर रहे हैं अपना, और यही होता है जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो एक अलग सा एक एन्जॉयमेंट, एक अलग सा एनवायरनमेंट, एक अलग सा माहौल बन जाता है. तो चलो अच्छी बात है, बहुत कम समय के लिए कुछ ऐसे वक्त मिलते हैं जिसमें सभी लोग से रूबरू होने का मौका मिलता है, खास करके अगर हम सोशल मीडिया पे ना और सोशलाइज हो रहे हैं लोगों से, तो वो एक अलग अपनी क्या कहते हैं उसको, कैपेबिलिटी होती है, एक अलग कैलिबर होता है इंसान का, जो किसी के साथ इतना घुल मिल जाना, किसी से बातचीत करना, किसी के साथ अपनापन महसूस करना. और यहाँ पर आकर के लगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स हैं ना, सबने कभी गैर सा फील होने ही नहीं दिया. तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे को थोड़ा सा टाइम वाइम लग गया अपना एडिटिंग करने में. रात को मैं जल्दी सो गया क्योंकि आँख में थोड़ा सा जलन वगैरह भी हो रहा था और फीवर आ गया था, तो टैबलेट लेके सोया था पैरासीटामॉल. पता नहीं कैसे फीवर आ गया, शायद ठंड वगैरह गर्म, क्योंकि हाँ मौसम ठंडा गर्म दोनों ना. सभी लोग नाश्ता के लिए चिल्ला रहे हैं, नाश्ता कर लो. और यहाँ पर इस कमरे में इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस कमरे में सृष्टि की आवाज़ अब आती है ना, तो सारे दूर दूर तक लोग सन्नाटा में छा जाते हैं. मैं बता रहा हूँ कि ऐसी महिलाओं का आवाज कितना बुलंद है, तो इनको अपनी आवाज में बेइज्जती लग रहा है. यार एक एक बार आवत है बेइज्जती करके कि चला जाता कि मैं ब्लॉग पोस्ट कर देता हमारे बेइज्जती इनके ब्लॉग इनके दोनों चीजें नहीं नहीं है. मैं तो आवाज की बुलंदियों की तारीफ कर रहा था. मैं माइक की जरूरत नहीं है. हमारे अल्फाज आपको अगर गलत लगे हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. क्षमा नहीं करूंगी, जाओ जो करना है कर लो. जा तुझे छोड़ दिया मैंने. चलो अरे कितनी गुल्लू मुल्लू सी बच्ची बैठी है यहाँ पे. कितना गुल्लू मुल्लू सा बच्चा है यहाँ पे. तो गाइस चलो अब चलते हैं. आ जाती है मेरे साथ नाचने. ये एक वीडियो कॉल इतना करती है ना, पूछो ही मत. मतलब ये इसको कहते थक गए कि चल चलो तब तो नहीं चलना था, और जब यहाँ आ गई है तब हर मेरे अभी भी उल्टी किया है उसने, तो यहाँ परेशान हो जाती है. अच्छा बच्चा है, उल्टी किया. चलो तो गुन्नू को देखने के लिए. बाकी यहाँ पे ये भी है. मैडम वॉमिटिंग हो रही है आपको भी? हो रही है हमें लोग. मैं ही ठीक हूँ सर, दवाई वही खा के तंदुरुस्त हो गया. अभी चलो बाहर आपको दिखाता हूँ मैं. ये पता नहीं क्या क्या सबका वीडियो बना रहा है, क्या क्या खाने में सबका वीडियो बना रहा है. इनके चैनल पे देख लीजिएगा यार, नई चीज. चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मिस्टर एंड मिसेस रास्ता से मनीषा को. थैंक यू सो मच गाइस. मारवाड़ी खाना दिखा रहा हूँ सबको. अंकुश सक्सेना चैनल को. हरी हरी हरी. अरे भैया सैंडविच, सैंडविच में टाइम लग रहा है. ये पता नहीं क्या क्या. अमित भाई पूरा ब्लॉगिंग में हेल्प कर रहे हैं. नेहा दीदी खड़ा. अरे यहाँ पे सैंडविच का पैकेट फट चुका है और थोड़ी देर में यहाँ पर माल वगैरह लगेगा उसके अंदर, उसके वजह से सैंडविच हमारा होगा तैयार. और ये कह रही है सैंडविच लेके ही जाएंगी. लेके ही जाऊंगी. देखा, ये होना चाहिए जज्बा जुनून. ये जज्बा जुनून होना चाहिए. लेके ही जाऊंगी भैया. उनको मत देना बस, आप थोड़ी देर मत देना. बुरा नहीं मानेंगे, थोड़ी देर मत देना. आपको सैंडविच नहीं देगा. पराठा तो खत्म करो. बैठूंगी नहीं, बैठूंगी. अरे यार सर्दी हो रही ना यार, समझ लो. वो वाला मैं लूंगा आपके लिए सैंडविच. तो अभी अंशिका मिली, बहुत अच्छा लगा. अंशिका नहीं, अंशी मिली. और अभी अपना प्लस टू का एग्जाम्स वगैरह आपका प्रिपेयर कर रही है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया. कह रही है 22 फरवरी से एग्जाम है. मैंने बोला क्रेडिट और डेबिट का अंतर बताओ. ये सब मत पूछिए भैया, देखिए ये सब मत पूछिए. कर रही है. मैं बोला ठीक है भैया. भाई फाइनली डेबिट और क्रेडिट का आंसर गूगल कर लिया है. मैंने गूगल एक बार फोन नहीं उठाया, ऐसे रखा था ऐसे ही रखा. मैंने ये कारण से कि अगर आप ये पूछोगे तो मेरे को पता कि इसका जवाब दे दिया, तो दोबारा आप कोई और क्वेश्चन पूछोगे. बहुत सारी बच्चे जवाब दिया तो इन्होंने दूसरा क्वेश्चन. बहुत सारी बच्चे. तो यहाँ पे आंसू आ रहे हैं दीदी के. क्या हुआ? अच्छा, रोने के लिए स्पेशल जगह मिली क्या? अब दोबारा मत रोना. कैसे रहेगा तुमसे होके जुदा.
चलो रील बना लो फटाफट, रोना नहीं है दीदी, बस हो गया। ऐसा तो नहीं, हम लोग ऊपर है सब नीचे हैं। सब लोग नाश्ता वास्ता अपना करते रहेंगे, सब लोग करें नाश्ता, हम लोग जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अब ये अपना मेकअप शुरू करेंगे। अभी आपको मैं बता दूं तो इनका मेकअप जो है वो 3.5 घंटे का भी होने वाला है, इसीलिए इनको ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा बता रही है झूठ। चलो मैं भी फ्रेश वगैरह हो जाऊँ थोड़ा, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट रेडी वेडी होने की तैयारी करेंगे। बहुत बुरा में चूंकि महिलाओं का कार्यक्रम है तो ये लोग वहाँ रहेंगे, मेरा कोई काम है नहीं, तो मैं अपना आराम आराम करूँगा। वैसे भी रात को मैं डिसाइड कर लिया था, तो चलो बने रहिए। सो दोस्तों, हमारे यहाँ साक्षी आने वाली थी लेकिन आई नहीं थी, तो उनका मोमेंटोस बन चुका था, तो मैं बोला चलो उनको दे देते हैं पहले, नहीं तो मुँह फुलाएंगी नहीं बाद में, क्योंकि उनका था आना बट पता नहीं किसी रीजन से कैंसिल हो गया। तो चलिए अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हमारे फौजी भैया आए। नहीं सैयद जी ने भी डाला ना, उसमें ना कहीं बहुत कम नजर आया हूँ। तो फौजी भी आया कह रहे कि भैया हम तो किसी के ब्लॉग पर दो थोड़ा गिरा दो जी, लाइक आ रहा है। फौजी भी आया कह रहे कि हम तो किसी के ब्लॉग में समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे हैं। अरे रुक जाओ बाद में देखना। ये देखो अमित भाई भी यहाँ पे अपना मुस्कुरा रहे हैं, लाइट कम पड़ रहा है क्या, लाइट जला दो ना एक बार फौजी भाई साहब, वहाँ से सब बटन ऑन कर दो पंखा छोड़ के। आज पहली बार फौजी साहब, चलो चलो बस बस ज्यादा जोर से मत, पूरा मत जाओ, बोल रहे हैं। और ये सोच रहा हूँ जिस रूम में जा रहा हूँ उस रूम में ही टक्कर जा रहा है, क्योंकि मैं सब अपने दो दिन डुप्लीकेट लाया हूँ, क्योंकि सब जगह मैं सबके साथ थोड़ा घूम भी रहा हूँ। कपड़े भी वही चेंज नहीं, एक्चुअली मैं देखा ना सब व्हाइट जैकेट पहने थे, ये भी व्हाइट जैकेट पहना हुआ था, ये भी इनका भी व्हाइट है मेरा भी व्हाइट है, तो मैंने बोला चलो भाई हम तो फिर भी अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूवीआर ये देखो, ये भी कह रहे हैं यूवीआर, हम भी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ब्रांड हम नहीं जानते कौन सा ब्रांड है। तो गाइस चलो अभी फिलहाल बैठ के यहाँ पे सब लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, और यही होता है ना जब सब लोग जमे रहते हैं तो एकदम अलग समझ आता है, तो हम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। अभी बेबी शावर है, हम लोग ये सोच सोच के त्रस्त हो चुके हैं ना कि यार वो फंक्शन महिलाओं का है, पुरुष हम लोग क्या करेंगे। फिर मैं खूब दिमाग लगाया तो मैंने सबको आइडिया दिया कि भाई सब एक एक कैमरामैन अपना तो ब्लॉग शूट करना है, बाकी क्योंकि आप लोग तो देखना चाहोगे ना, हमारे जो व्यूवर्स होंगे अलग होंगे एंटायरली, तो मैंने बोला कि चलो कुछ नहीं तो ब्लॉग 2-2 मिनट का शूट करके आप लोगों के लिए दिखा देंगे, बाकी ज़्यादा लंबा टाइम वहाँ नहीं बैठ पाएंगे हम। हाँ बोलो, बाद में बोलूँगा ऑफ द कैमरा। अच्छा ऑफ द कैमरा, वैसे किट्टो के बेबी शावर में तो सारे हम लोग थे, जेंट्स लेडीज सब थे, कितना अच्छा लग रहा था, सब डांस फंक्शन अपना बातचीत अरेंज वगैरह सब कुछ हो रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा महिलाओं का दबदबा ज़्यादा दिख रहा है। राजस्थान में रीति रिवाज थोड़ा सा ज्यादा, हाँ हर जगह, यही तो भारत की खूबसूरती है, यहाँ का रीति रिवाज अलग है वहाँ का रीति रिवाज अलग है। तो अभी यहाँ तक कि मेरे मैंने को सुनने में आ रहा है शायद जो कैमरा मैन है नीचे, जो कैमरा मैन है वो लोग भी शायद नहीं रहेंगे, बट अगर वो लोग रहे तो देखूंगा हम लोग जाके ब्लॉग। तो ब्लॉग तो चलो आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए, मतलब हस्बैंड अलाउड नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्यों हस्बैंड भी तो वो मैं तो सारी लड़कियों का भाई हूँ भाई, किसी को राखी बांधना तो बांध सकती है, लेकिन वीडियो शूट होगा हमारे, हम भी बंधवा लेंगे, आप कुछ भी उड़ा सकते हैं हमको, हम तो जाएंगे 7,000 खर्चा हो रहा भाई तो मेन्यू में हम लोग तो सफारी और हेक्सा लेके आए, डीजल तो खून की तरफ पी जाती है। पहले पता है पहले का मेरी गाड़ी की एवरेज थी, अमित भाई को मैं दिखाया टैंक टू टैंक, टैंक फुल करके निकला, सेट कर दिया जीरो, स्टार्ट किया 255 किलोमीटर बाद, मैं बोला कि राजस्थान आने वाला है, अब हरियाणा से निकल रहा है, रोहतक होके आया था मैं, वो बोले कि अब तेल भरवा लेते दोबारा, वहाँ पे तेल अटा सिर्फ 15.5 लीटर, 15.5 लीटर एग्जैक्ट, तो गाड़ी का माइलेज यही 15.08 आया था, मैंने 15 की माइलेज सफारी आ गई और क्या चाहिए, जबकि थोड़ा ये भी धीरे धीरे चला रहे थे।
उसके बाद मैंने बोला कि भाई अब लेट हो रहा है, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया स्पोर्ट्स मोड में। अब तो भाई साहब 100 किलोमीटर चला 15 लीटर। आप लोग गाइस जानते हो मैंने अपनी गाड़ी लेकर के अपना हाथ साफ किया, और मेरी गाड़ी वो वाली है चपटी वाली नहीं पतली वाली। देखो एक्शन, देखो एक्शन तो देखो एक्शन। और इनका इनका है जहाज। अब साला ये हाईवे भी एक्सप्रेसवे इनको आने लगा नहीं, बोले अमित भाई तुम चलाओ। मैं कहा हाँ, वो भी ऑटोमेटिक मैनुअल हो तो आदमी चलो एक बार समझता। अभी ऑटोमेटिक गाड़ी और जहाज मुझे पकड़ा दिया। ये मैं तो इनका गेयर वाला है ना ऑटोमेटिक, उसमें हाथ बोले यहाँ से हाथ डालो। मैं कहा भाई आदत ही डाली ऐसी है। और नींद में मेरे से पूछ रहा भाई, पहले तो ठीक चला था लेकिन फिर देर जब मेरा पैर जमने लगा था, इधर से भी ट्रक उधर से भी ट्रक। मैं कहा यार साइड लेन से ओवरटेक कर गई ठुकी तो 50-60 हज़ार का एक फटका, और चलो भाई मैं ही खर्चा करूँगा। और उसके बाद अचानक मार दे रहा था, और मेरी आंख जब खुली मैं बोला कि भाई तुम ओवरटेकिंग लेन में आ गए भाई, तो कह रहे कि अरे ट्रक वाला धक्का दे देगा। मैं बोला टच तो हुआ नहीं है। कह रहा अरे डरा डरा के धक्का दे दिए। मैं बोला तू गाड़ी लगा साइड में, मेरी नींद ठीक हो गई। अब उसके बाद से मैं गाड़ी लेके आया नॉन स्टॉप। अच्छा मेरे क्या बोला, मैं सोना तुम नोखा तक चलाना, मैं अपने हे राम हे राम हे राम हे राम नोखा तक ऑटोमेटिक। एक अपनी जो गाड़ी हम लोग अगर उसी स्टैंडर्ड की गाड़ी आदमी चला लेगा, मैनुअल गाड़ी भी होती वो ऑटोमेटिक उसने सफारी पकड़ा दी हमको। और एक पतली गली में मोड़ना था ये एकदम चिपका के मोड़ रहा। मैं बोला भाई लंबी गाड़ी है थोड़ा आराम से। हम लोग क्या करते हैं पहले इस पाव से ब्रेक लेते हैं, और फिर वो क्लच। अब ये पाव का उसमें खाली एक ही पाव का यूज है। अब गलती से ये पाव अपने ब्रेक में गिर जाता है, झटके ठप करके बंद हो जाता है। सवाल ये क्या हुआ भाई? बिना महिलाओं के ब्लॉगिंग की आया ना मजा आप लोगों को। वीडियो को ऐसे ही एंजॉय करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो लड़के बिना लड़कियों के भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने नहाया नहीं है। और सबसे खुशकिस्मत बात पता क्या, बिना नहाए ज्यादा स्मार्ट लगते हैं हम लोग। ना मेकअप का टेंशन, ना पाउडर का टेंशन, ना फाउंडेशन का, ना ब्यूटी का, ना फिल्टर की भी जरूरत नहीं है। सोमू उसको भाइयों को देखो, 4 दिन हो गए नहाए हुए, कह रहा बहुत ठंड है। कल नहाया था वाइप्स लेके, बेबी वाइप्स लेके पोंछ लिया शरीर, कह रहा मेरा काम हो गया। ऐसा ही कुछ है। चलो गाइस बस इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। आगे कल की कुछ क्लिप्स है ना, जब अरमान मलिक और उनकी, अरमान मलिक भाई तो नहीं आए, संदीप भाई नहीं आए, बाकी उनकी दोनों वाइफ्स आई हुई थी, तो वो शूट तो बहुत कम किया है, कम क्या किया वो आ गया कैमरे में, तो वो सब लोग आप देख सकते हो। कुछ नए क्रिएटर्स और भी जुड़े हुए हैं, कॉपी रेट आ जाएगा, रुक जाओ जी। तो और रक्षा की रसोई भी आई हुई है, सभी लोगों से मिलेंगे। मैं अभी किसी से मिला नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि रात को मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। रक्षा की रसोई वही है जो बिस्कुट तले देते हैं। तो मैं टैबलेट वगैरह लेके आराम से सो गया था। तो आगे आप लोग क्लिप्स एंजॉय करो, और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है? बाकी अभी आने वाले वीडियोज और भी इंटरेस्टिंग होने वाले। लेट्स स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। दीपक को एक साथ करो, ऐसे बिखर के नहीं, लाइन में आके सभी लाइन में खड़े हो जाओ सभी। एक बराबर आइडिया से दे दो दीपक को, और भगवान का आरती जैसा करो तो मजा आ जाता है। बोली हारे के सहारे की जय हो। जितने भी दरबार के बाहर हैं सभी से निवेदन, बाबा की अभी आरती होगी,
तो सभी से निवेदन, आए और खड़े होकर बाबा की आरती सारे मिलके करेंगे। बाबा के दरबार से खाली जाए तो हाँ लाओ लाओ लाओ। 15 है ये।